हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जनता की, पब्लिक की पुरजोर डिमांड पे, बार बार डिमांड करने पे, फाइनली आई एम गोइंग टू रिव्यू दी जूसर, दी कोल्ड प्रेस जूसर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा रहा था आपकी तरफ से। हम लोग, आप लोग हमको देखते हो रोज, तो वी हैव बीन, जैसे मुझे तो आप हमेशा किचन में खड़े देखते थे जब सोनी हम लॉग करती थी। तो यू गाइस हैव बीन आस्किंग कि हम लोग कौन सा जूसर यूज कर रहे हैं। तो मैं, देयर इज लॉट ऑफ यू नो थॉट बिहाइंड इट, कि हम लोगों ने काफी सोचा इस बारे में कि जो हम लाइफस्टाइल में हैं, जैसे हम रह रहे हैं, you know, हम लोग काफी कुछ फालतू फालतू चीजें खाते हैं, बाहर से भी मंगा लिया, खा लिया। तो हमारी बॉडी को ना जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो यू हैव टू कंज्यूम गुड फूड, आपको रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल खाना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक अदरक का टुकड़ा तोड़ के दे दूं, आप उसको खा लोगे? नहीं खा सकते। अब मैं आपको आंवला काट के दे दूं, आपको बोलो कि रोज उठ के दो दिन डेली आपको आंवला खाना है, तो आप एक दिन खा लोगे, दो दिन खा लोगे, तीसरे दिन आप भी बोलोगे यार ये तो खाया नहीं जा रहा। या फिर मैं आपको बोलूं बीटरूट खा लो, बीटरूट तो चलो थोड़ा फिर स्वीट होता है, लेकिन फिर भी यू वांट, मैं सुबह आपको ऐसा थाल भर के दे दूं और आपके सामने कच्ची सब्जियां रख दूं और आपको बोलूं इसको खा जाओ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप ये नहीं कर सकते। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, ये देखो अभी मैंने सब काट के रखा है। नाउ इफ आई गिव इट टू यू एंड इफ आई टेल यू पहले ये खत्म कर दो, फिर ये बाद में जब आपको कड़वा लगे तो वाटरमेलन खा लेना, तो इट दिस गेट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे भी हम वी शुड बी डूइंग समथिंग विच इज डूएबल, जो प्रैक्टिकल हो, वो लाइफ स्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जैसे आप लोग जूसर, जैसे हम लोग को नॉर्मली पता ही है जूसर हम जो हम यूज करते हैं वो तेज तेज घूमने वाला जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल जूसर बोलते हैं। तो हम लोगों को कुछ भी जैसे जूस बनाना है या बेसिकली कुछ भी ग्राइंड करना है या किसी पर्पस के लिए, तो हम वो जूसर यूज करते रहे हैं अभी तक। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल जूसर जो तेज घूमने वाला होता है अगर वो यूज करते हैं, तो उससे जो आपका जो जूस है, जो भी आप वेजिटेबल जूस बना रहे हो या फ्रूट जूस बना रहे हो, उसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो खत्म होता है उससे, वो उसकी जो न्यूट्रिशन पावर है वो खत्म हो जाती है। तो वो जूस जो आप पीते हो उससे आपको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल जूसर। और अगर मैं आपको बताऊं कोल्ड प्रेस जूसर, तो कोल्ड प्रेस जूसर जो होते हैं वो ऐसे, वो जूसर वैसे होते हैं जो आपका जो वेजिटेबल जूस है या जो फ्रूट जूस है उसको स्लोली प्रेस करते हैं, उसको उसकी जो मोटर है वो धीरे धीरे घूमती है और उसका जो, उससे जो जूस निकलता है, फिर वो जो स्लोली जो कोल्ड प्रेस होता है वो उस तरह से निकलता है। उससे क्या होता है, जो फ्रूट के अंदर, जो जूस के अंदर न्यूट्रिएंट है वो बरकरार रहता है, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है। सो व्हाटएवर जूस यू आर ड्रिंकिंग आउट ऑफ अ कोल्ड प्रेस जूसर, दैट इज द बेस्ट जूस। जैसे आप नॉर्मली बाहर भी आप जाते हो ना जूस वगैरह पीने के लिए, तो वैसा घुमाने वाला होता है, दैट इज ऑल्सो कोल्ड प्रेस जूसर। लेकिन उसकी यू माइट फील कि वो ही ले लेते हैं, सस्ता भी है, लेकिन उससे आप फ्रूट जूस ही निकाल सकते हो, उससे आप वेजिटेबल जूस निकालने में यू विल हैव लॉट ऑफ इश्यू। तो इसलिए हम मोटराइज्ड जो भी होते हैं इलेक्ट्रिक जूसर हैं वो यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक जूसर, जो ये कोल्ड प्रेस जूसर है, दे आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल जूसर, लेकिन आई वुड से दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टू योर हेल्थ। दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ गुड कोल्ड प्रेस जूसर। तो द जूसर गाइस विच वी आर यूजिंग, उस जूसर का ब्रांड है, दैट इज अगारो, वो इट इज कंपैरेटिवली न्यू ब्रांड। लेकिन इफ यू कंपेयर विद द मार्केट और दूसरे प्रोडक्ट देखोगे कोल्ड प्रेस जूसर इसी रेंज में, तो आपको महंगे दिखेंगे। मतलब जूसर, कोल्ड प्रेस जूसर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ही होते हैं। तो फिर हमें ये लगा कि इसके रिव्यूज वगैरह देखे ठीक लगे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यही ले लेते हैं। तो दैट वॉज थॉट बिहाइंड बाइंग अगारो जूसर। गाइस, ये हमारा जूसर है, इसको हम डेली यूज करते हैं और परफॉर्मेंस हैज बीन गुड। हम लोगों को कोई भी ऐसा कोई परेशानी फील नहीं हुई या कोई इसमें मोटर में कोई प्रॉब्लम या आवाज ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे घूमते हैं तो आपको घी घी वैसे सेंट्रीफ्यूगल वाली आवाज भी नहीं आएगी, तो दैट इज अ गुड पार्ट। ये मग वगैरह जैसे साथ में इसके आते हैं, इसको असेंबल करना डे वन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब जैसे मैं आपको फटाक से इसको दिखा देता हूँ खोल के, सो दिस इज हाउ इट कम्स। ये देखो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है,
इसमें ये देखो 250 ml इसकी कैपेसिटी है, जब आपका जूस बनता है तो इसी के अंदर कंटेन होता है और यहाँ से जूस बाहर आता है, यहाँ से जो फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्ट है वो बाहर आता है। तो आप कैप को बंद रखोगे तो जूस भरता रहेगा, वेन एवर यू नो वो फिल हो जाएगा तो उसको खोल दो। तो ये आपको ये अलाइन करना है, दैट्स इट, ये अलाइन हो गया। उसके बाद ये सेकेंड होता है, इसको आप इसके अंदर ऐसे कैप कर दीजिए, इसका और इसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, ये इसका ये जो रेड डॉट है इसको आपको इसके साथ अलाइन करना है। यू विल फील कि वो लॉक हो गया है, इट वॉन्ट रोटेट। ये थर्ड होता है इसका, ये बेसिकली मोटर, ये दिस इज द वन जो क्रश करती है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। ये भी जब आप डालोगे यू विल फील दैट इट इज लॉक्ड। फाइनली ये कैप है, यहाँ से आप फ्रूट्स वेजिटेबल आप यहाँ से डालोगे। तो ये इसका पीछे से ये यहाँ पे ये लॉक है जो बेसिकली यहाँ पे जाता है। ओके, तो आप दैट्स इट, ये हो गया। और ये फिर आप जब फ्रूट्स डालते हो तो यू कीप ऑन प्रेसिंग दिस। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेड लगा है इनकेस कुछ बड़ा पीस आपने फ्रूट डाल दिया तो यहाँ से कट भी जाता है। तो सो गाइज, गुड थिंग इज कि आप इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जूस ही बना सकते हो, इसके अंदर आप स्मूदी शेक भी बना सकते हो और इसके अंदर आप वो फ्रोजन फ्रूट होता है ना उसको उसकी आइसक्रीम जैसा भी बना सकते हो। तो ये जो इसका जार है, ये येलो कलर का जार जो है, जो मैंने ये डाला था इसके अंदर, ये जूस के लिए यूज होता है तो हम लोग इसी को फ्रिक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा दो और जार आते हैं इसके साथ। ये देखो यहाँ पे दिस इज फॉर फ्रोजन फ्रूट, ये लिखा भी हुआ है इसके अंदर। तो आप वो जूसर वाले जार को इससे स्विच कर देंगे तो आप इसको फ्रूट का, फ्रोजन फ्रूट का आइसक्रीम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये तीसरा जार है, दिस इज फॉर स्मूदी, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे। तो जूसर वाले जार को इससे चेंज कर देंगे तो आपका स्मूदी से आप बना सकते हो। तो गाइस, आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल, फ्रोजन फ्रूट वाला अगर यूज करना है तो आपका फ्रूट जो है वो फ्रोजन होना चाहिए। तो फ्रीजर में उसको रख दो, जब वो फ्रीज हो जाएगा फिर उसको थोड़ा चॉप ऑफ करके और आप जैसे बनाना आप यूज कर सकते हो, बनाना फ्रीजर में रख दो तो एकदम जब वो एकदम बर्फ जैसा हो जाएगा फिर आप इसको सिंपली जैसे बनाते हैं तो वैसे ही आप बना सकते हो। तो उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका सिर्फ उसके फ्रोजन फ्रूट के केस में वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, वो यहाँ से बाहर आएगा। ओके, तो वो आपका यहाँ से पूरा उसका जो पेस्ट बन के बाहर आएगा, बाकी जो आपका स्मूदी है, जूसर है, वो यहीं से आएगा। तो ये देखो गाइस, ये तीन है इसके अंदर, जूसर के लिए ये यूज करना है आपको, फ्रोजन फ्रूट बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए ये यूज करना है और स्मूदी के लिए ये यूज करना है। नाउ क्विकली लेट्स गेट ऑन टू द डेमो। जूस बनाने लगा हूँ, इट्स अ गुड प्रैक्टिस जो हार्ड वेजिटेबल्स होती हैं उसको आप चॉप कर लें क्योंकि आपकी मोटर पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो जैसे कैरेट है थोड़ा टफ होता है, या बीट रूट है, या जैसे आंवला है, तो इनको थोड़ा आप कट कर दीजिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो आपको करना ही है, एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी आप कुछ लेस जूसी आइटम जैसे आंवला हो गया या अदरक हो गया, जिंजर हो गया, जब ये चीजें आप डालते हो तो साथ में थोड़ा समथिंग जैसे टोमेटो साथ में डाल दो, उससे क्या होगा कि थोड़ा फ्रिक्शन कम आता है और आराम से जूस निकलता है। मतलब आई यूज दिस क्योंकि मैं जब जैसे ये अकेला डालता हूँ तो मशीन में ऐसे की चीं की आवाज़ आती है तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये साथ में डाल देता हूँ तो आवाज़ ठीक आती है। इंग्रेडिएंट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट। दिस इज आर टॉप इंग्रेडिएंट, वाटरमेलन, ये मतलब एज पर हायरार्की ये सबसे जो चाहिए ही चाहिए, वाटरमेलन, टमाटो, बीटरूट, आंवला, जिंजर, पालक, कैरेट, सेलरी, कभी 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 मिल गई तो ठीक है, लेमन डालते ही हैं, ब्लैक सॉल्ट, लेमन और ब्लैक सॉल्ट तो आपको डालने डालना है, मस्त मजा आता है, और पुदीना है वो भी डालो और क्यूकुम्बर आप डालो। ये गाइस पीछे इसका बटन है, जब आपने इसके अंदर फ्रूट डाले तो आप उसको प्रेस कर दीजिए तो इट विल स्टार्ट जूसिंग। अभी ये देखो यहाँ पे जूस बनना शुरू हो गया, अब मैं यहाँ पे डालता जाऊंगा। ये देखो यहाँ से आपका जो भी वेस्ट है, जैसे वो नॉर्मल हाथ वाली मशीन में होता है ना वैसे यहाँ से बाहर आएगा। ये मैंने कैप बंद किया हुआ है, जब यहाँ पे जूस इकट्ठा हो जाएगा तो मैं कैप को खोल दूंगा, जूस बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जूस निकालता रहेगा और आप डालते जाइए, जूस निकालते जाइए।
मैं बनाने जा रहा हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो शेक के लिए आपको चाहिए सबसे पहले मैंगो कटा हुआ, तो आप इसको जूसर में डाल लें। साथ आप दूध डाल लें, सारा मिक्स हो रहा है। लिड को मैंने बंद किया हुआ है ताकि जो शेक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा हनी भी डाल लूँगा और अब ये पूरा मिक्स हो गया है तो मैं इसको ओपन कर दूँगा। तो गाइज आई होप आपको ये रिव्यू ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करिए अपने आप पर और अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, अच्छी चीज़ें कंज्यूम कीजिए ताकि आपकी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं वो मिलें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई प्रोडक्ट रिव्यू। मैं करता नहीं हूँ लेकिन मैंने आज किया है। तो लव दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ब्यूटीफुल। बाय बाय।